नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग और स्विच बोर्ड कनेक्शन इलेक्ट्रिक संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल से मिलती है। तो आज का वीडियो है हमारा स्विच बोर्ड वायरिंग, साथ में ड्राइंग भी है और बोर्ड का कनेक्शन भी है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो ऐसी जानकारी हमारे इस चैनल पे बराबर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड वायरिंग। तो ये हमारे पास ये बोर्ड है, देख सकते हैं, तो जिसमें कि हमारा देखिए एक इंडिकेटर है और एक फैन रेगुलेटर है और 6 स्विच और 4 5 पिन सॉकेट है। और साथ में हम इसका भी कनेक्शन करेंगे, ये लाइट पॉइंट बाहर के लिए है, तो इसलिए हमने इसमें बोर्ड में नहीं लगाया है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर बोर्ड में भी लगाएंगे तो भी कनेक्शन ऐसे ही होना है, और बाहर लगाते हैं इस लाइट पॉइंट को तो भी कनेक्शन ऐसे ही होना है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो हम ड्राइंग्स के माध्यम से भी बताएंगे और बोर्ड के माध्यम से भी, ठीक है। तो इसे हम बोर्ड को पहले पलट लेते हैं इस तरह से, और हमारे पास ये ड्राइंग बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग का कनेक्शन कर रहे हैं और साथ साथ हम बोर्ड का भी कनेक्शन करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें देखिए जो 5-पिन सॉकेट है, तो यहाँ पे लिखा है L, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है N। तो हमने यहाँ पे L लिख दिया है और यहाँ पे N लिख दिया है। तो L का मतलब होता है लाइन और N का मतलब है न्यूट्रल से। तो हालांकि इसे जो 5-पिन सॉकेट है, तो इसे न्यूट्रल और फेस से मतलब है, यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेस से मतलब है। कोई सा भी वायर चाहे जैसे भी जोड़ देंगे तो इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस अगर मिल जाएगा तो ये सॉकेट हमारा काम करेगा। तो ये L और N इसलिए लिखा रहता है कि जैसे कि कहीं बिल्डिंग का वायरिंग होता है या सोसाइटी में वायरिंग होता है जहाँ पे इंजीनियर लगे रहते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की गलती नहीं करनी है। वहाँ पे जो लिखा है वही जोड़ना है, यानी कि L में जोड़ना है फेस और N में जोड़ना है न्यूट्रल। लेकिन इसी काम को अगर हम बाज़ार में करने चलते हैं तो कोई सभी वायर चाहे जिधर भी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाज़ार का काम और सोसाइटी का काम और बिल्डिंग का काम में यही अंतर है। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ाई की थी तो इस तरह से बताया गया था, लेकिन बाज़ार में उस तरह से मिलता नहीं है। तो बाज़ार में और पढ़ाई में और बिल्डिंग सोसाइटी या किसी कंपनी के काम में यही अंतर है। तो उस सब काम जो है तो वो सब नियम से चलना पड़ता है, लेकिन बाज़ार में काम करने के लिए कोई नियम नहीं है। चाहे जैसे भी इस 5-पिन सॉकेट तक हमारी सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से बता दे रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये हमारे जो स्विच है, इसके नीचे वाले जितने भी हमारे पॉइंट हैं, यानी कि 6 स्विच है, तो 6 पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में 6 को एक फेस ले, एक फेस से इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, और यहीं से एक वायर जोड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले शॉर्टिंग कराते हैं। तो देखिए, हम इसको खोल चुके हैं और इसे हम पहले शॉर्टिंग करा देते हैं। तो बोर्ड में पहले शॉर्टिंग कराएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन दोस्तों जानकारी मिलेगी अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। तो इस तरह से हम इसे शॉर्टिंग करा लिए। तो हम ड्राइंग से भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट करा लेना है सारे पॉइंट को। चलिए, अब इसे हम टाइट कर देते हैं, और जो स्विच हम टाइट करते हैं इसको अच्छा से टाइट करते हैं ताकि स्पार्किंग ना आए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम इसको शॉर्टिंग करा दिए।
पूरे फेस को। हाँ देखिए, यहाँ से हम एक वायर जोड़े हुए हैं, ये वायर हमारी निकल गई, और ये जो वायर है ये हमारी चली आएगी इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर के एक पॉइंट पे किसी पे भी दे देंगे, चाहे इस पे दे दें चाहे इस पे दे दें, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से इंडिकेटर पे, तो आ जाते हैं हम। चलिए नीचे वाले पॉइंट पे दे देते हैं इंडिकेटर के, इस तरह से हमें जोड़ देना है। तो चलिए अब हम इसे जोड़ देते हैं इंडिकेटर पे। तो देख लीजिए, इसे हम इंडिकेटर पे जोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा फेस है, अब ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ड्राइंग में भी बाहर हम इसे निकाल देते हैं। ये हो जाएगा हमारा मेन फेस, यानी कि हम बाहर से इसमें पावर सप्लाई देंगे। तो ये हो गया हमारा मेन, ये हो गया मेन, ठीक है। और अब आते हैं अपने बोर्ड पे, और अब हमें कनेक्शन करना है 5-pin सॉकेट का। तो देखिए, ऊपर वाले पॉइंट से जो हमारा स्विच का ये ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये आएगा हमारा एल पे। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट से, और लेके आ जाते हैं 5-pin सॉकेट के एल जहाँ लिखा हुआ है। और इसी तरह से दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन भी हम करेंगे, और आ जाएंगे 5-pin सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे। फिर इसी तरह से तीसरे वाले का भी हम कनेक्शन करेंगे स्विच का, और आ जाएंगे तीसरे वाले 5-pin सॉकेट के एल पॉइंट पे। और इसी तरह से फिर हम चौथे का भी स्विच का कनेक्शन करेंगे, और आ जाएंगे हम 5-pin सॉकेट के चौथे वाले पे एल पे। और इसके बाद में हमारा है ये फैन रेगुलेटर, इसके दो वायर निकले हुए हैं, तो इसका एक वायर हम ले लेते हैं और इसे जोड़ देते हैं। हमारा ये स्विच खाली है तो इस पे जोड़ देते हैं ऊपर वाले पे, और एक वायर जैसे कि ये वाला है तो इसको जोड़ेंगे। तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं, और एक वायर हम जोड़ देंगे होल्डर का। तो होल्डर से लेंगे एक वायर फेस, और आ जाएंगे हम इस लास्ट वाले पे स्विच पे। तो दोस्तों, ये हमारा फेस का कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ड्राइंग में हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, और अब हम बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। तो चलिए बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। तो ये ले लेते हैं वायर, पहले से काट के रख चुके हैं, थोड़ी छोटी बड़ी वायर है, देखते हैं कौन सा है यहाँ का, तो बाद में दिक्कत होता है। तो ये वायर हमारी यहाँ की है, तो चलिए यहाँ पे हम इसे जोड़ देते हैं। कट करके रख लिए हैं इसलिए ताकि समय आपका कम लगे, और कम समय में ये बन जाए बोर्ड हमारा। तो इसे हमें यहाँ टाइट कर देना है एल पे, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम टाइट करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट लेंगे, और जैसा कि ड्राइंग में आप देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, ठीक है, जोड़ देते हैं हम यहाँ पे। और फिर तीसरे वाले का लेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, बिल्कुल ड्राइंग में जिस तरह से है उसी तरह से लेंगे, देख लीजिएगा, बिल्कुल ड्राइंग में मिल रहा है हमारा कनेक्शन। और इसके बाद में चौथे वाले का लेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, और ये ये वाला है, तो ये हमारा 5-pin सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब हमारा फैन का जोड़ना है, फेस देना है एक,
तो फैन का फेस हम यहाँ से दे देंगे। एक स्विच बचा है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे दे दिए फेस। और ये फेस जब यहाँ से इंटर हो रहा है तो इसमें जो निकलेगा वो फेस ही निकलेगा, ठीक है। तो ये फेस जाएगा फैन को, तो जो इसमें से निकल रहा है। और इसके बाद में हमारे पास एक होल्डर है, तो इसे हम बाहर में देंगे, तो आपको जहाँ देना हो दे सकते हैं। तो इसका फेस जो है हम इस लास्ट वाले स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, लास्ट वाले स्विच से कनेक्ट कर दिया होल्डर का। तो इसको इस तरफ हम रख देते हैं ताकि अच्छा से कनेक्शन आपको दिखता रहे, ठीक है। और अब हम करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। तो चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल के कनेक्शन के लिए देखिए, जो एन लिखा हुआ है यहाँ से एक वायर लेंगे और हम चले आएंगे 5 पिन सॉकेट के दूसरे वाले एन पे, और फिर यहीं से एक वायर जोड़ लेंगे और चले आएंगे तीसरे वाले 5 पिन के एन पे, और फिर यहीं से एक वायर जोड़ लेंगे और चले आएंगे चौथे वाले 5 पिन सॉकेट के एन पे, और यहीं से एक वायर जोड़ेंगे और हमें आना है इस इंडिकेटर पे। तो चलिए चलते हैं इंडिकेटर पे। तो आ जाते हैं इंडिकेटर पे हम। ये हमारा कनेक्शन है न्यूट्रल का, तो ये हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे वायर और जोड़ना है, ठीक है। तो अभी हम इतना वायर पहले जोड़ देते हैं। तो चलिए कनेक्शन करते हैं बोर्ड का। तो बोर्ड का हम लेंगे एक वायर, तो ये हो गया हमारा। और यहीं से एक वायर जोड़ लेंगे। तो देखिए ये वायर जोड़ रहे हैं, और इसको हम देंगे दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन पे। तो ये दूसरा वाला 5 पिन सॉकेट है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। चलिए हो गया। और फिर एक वायर यहीं से जोड़ेंगे, देख सकते हैं, और इसको हम जोड़ देंगे तीसरे वाले 5 पिन के एन पे। तो ये हमारा हो गया। और यहीं से एक वायर और जोड़ लेंगे, देखिए इस तरह, और इसे हम जोड़ देंगे चौथे वाले 5 पिन के जहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अब हम यहाँ से आ जाएंगे इस इंडिकेटर पे, इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ने के लिए अब हमें देखना है कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट कितना हो रहा है, तब हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। पहले न्यूट्रल पॉइंट हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा हो रहा है एक लाइट पॉइंट का और एक फैन का। तो इसे भी फैन को भी हमें न्यूट्रल चाहिए, तो एक न्यूट्रल ले लेते हैं, क्योंकि इससे जो निकल के जा रहा है, ये फेस दिए हैं यहाँ से फैन को, तो यहाँ से निकल के हमारा फेस जा रहा है, तो हमें एक न्यूट्रल देना होगा। तो चलिए हम इसमें न्यूट्रल एक दे देते हैं, तब जा कर के हमारा फैन वर्क करेगा, ठीक है। तो एक न्यूट्रल देते हैं इसे। तो एक न्यूट्रल ये हो गया, एक लाइट का न्यूट्रल, और एक हमारा ये न्यूट्रल जो सारा कॉमन है ये वाला। तो तीन हो गए ये न्यूट्रल हमारे, और एक न्यूट्रल हम और लेंगे अलग से, जो कि हमारा बाहर निकलेगा मेन पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। तो एक न्यूट्रल और हम ले लेते हैं। तो ये एक न्यूट्रल और हो गया हमारा।
ठीक है। और अब हम इसको जोड़ देंगे 5 पिन सॉकेट पे, तो इसको सॉरी इसको हम इंटीग्रेटर पे जोड़ देंगे। खोल लेते हैं, बच गया था, तो यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे। और इसको हम टाइट भी कर देंगे। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया ये कनेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमारा ये एक न्यूट्रल बाहर निकल गया, देख सकते हैं। तो एक न्यूट्रल और एक ये फेस, तो ये दो हमारे मेन लाइन हो गए। इसी में हमें पावर सप्लाई देनी है। और ये जो है हमारा, ये है हमारा फैन के लिए, ये दो वायर हम फैन में जोड़ देंगे तो हमारा ये रेगुलेटर जो है ये वर्क करेगा। और अब आती है बारी हमारी ड्राइंग की। तो ड्राइंग में देखिए ये वाला जो है ये न्यूट्रल है, और एक न्यूट्रल ये है हमारा जो कि हमारा जाएगा यहाँ पे, और एक न्यूट्रल हमारा जो है फैन से, सॉरी ये तो फेस है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। ये बाहर हो गया, और एक न्यूट्रल है हमारा जो कि बाहर निकल रहा है फैन से, तो इसको हम लेके आ जाते हैं इंडिकेटर पे, ठीक है। और यहीं से हमारा ये बाहर निकल गया न्यूट्रल, यानी कि एन। तो दोस्तों इसी तरह से कनेक्शन होना है। तो आप ड्राइंग भी देख लिए, तो चलिए अब हम आपको चेक करके दिखा भी देते हैं। तो इसे सबसे पहले तो इसे हम पलट कर लेते हैं, पलट लेते हैं, और इसे हम यहाँ रख देते हैं। और हमें मेन पावर सप्लाई जो देनी है वो इसमें देनी है, एक ब्लैक में और एक रेड में। और ये जो है हमारा फैन का है, तो इसको अलग कर देते हैं, और इसमें हम पावर सप्लाई जोड़ते हैं। तो अभी हम आपको चेक करके इसे दिखा दे रहे हैं कि हमारा देखिए कनेक्शन जो है ये वर्क कर रहा है। तो ये देखिए हमने जोड़ दिया इसे, और इसमें एक बल्ब भी हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे सप्लाई देते हैं। तो ये देख लीजिए इंडिकेटर चल गया हमारा, और ये वाला है, और ये स्विच हमारा बल्ब का है। तो देखिए ये जल रहा है, यानी कि सारा कुछ हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।